फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का डेस्टिनेशन है हमारा लंका विजय हनुमान जी और जगन्नाथ जी महाराज, भगवान जगन्नाथ का टेम्पल। ये दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये पूरा लोहे का बना है। ऐसे सूरत में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे लोहे की मूर्तियाँ बनी है ऑन द वे। और जो जगन्नाथ है, सूरत में जगन्नाथ की यात्रा जब निकलते तो यहाँ से शुरू होती है जहाँ हम जा रहे हैं आज, जगन्नाथ और हनुमान जी, यही है टेम्पल। यहाँ से सीढ़ी होती है नीचे जाने की और हम जाते हैं उधर गाड़ी लेके, यही है गौशाला लंका विजय हनुमान जी गौशाला, जो आप देख रहे हैं। ये पार्किंग और यहाँ पर ये गौशाला का गेट है और ये सामने वो टेम्पल का गेट है जो लंका विजय हनुमान जी और जगन्नाथ की गौशाला है। यहाँ पर चल गया, अभी साफ सफाई चल रही है अंदर गौशाला के अंदर। और एंटर होते ही यहाँ पर एक हनुमान जी का टेम्पल रहता है, यहाँ पर सब दान पिंड करते हैं। जो अभी बहुत भीड़ है कोरोना की वजह से, तो कोरोना में मृत्यु हुई है। और यहाँ से जो मैंने चिड़िया अभी दिखाई थी, अभी हमारे जब चिड़ी दिख रही है यहाँ पर निकलते हैं, यहाँ से अंदर आ सकते हैं। और पूरा ग्राउंड है टेंपल का, सब रेड रेड दिख रहा है। और ये हनुमान जी महाराज, इससे कहते हैं लंका विजय हनुमान जी। लंका विजय हनुमान जी का दर्शन आप कर रहे हैं अभी। ओम नमो हनुमते वै भंजनायक सुखम करु फट स्वाहा। और ये है हवन कुंड और यहाँ का पुंजारी एक महंत है। और ये देख रहे हैं आप हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहे हो। लंका विजय हनुमान जी जो कतार गांव में गुजरा स्कूल के पांच आया है और तापी के तट पर विराजमान है। और जगन्नाथ का भी दर्शन करवाता हूँ, लंका विजय, जब लंका पर विजय पा के आए थे हनुमान जी, तब से उसका एक नया नाम पड़ा था लंका विजय हनुमान जी। यही है लंका विजय हनुमान जी, जो पूरी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, बाधाएं रखते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बहुत पौराणिक टेम्पल है, ये जगन्नाथ का टेम्पल जो अभी बन रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपके आगे। ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पर एक गुरु जी जो अभी उसका अक्षरवास हो गया है, महंत जो अभी गोलोक चले गए हैं। यह जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ। यहाँ से जगन्नाथ की यात्रा शुरू होती है और सिटी में ले जा रहे हैं। जब भी जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो शुरुआत इसी मंदिर से होती है, जगन्नाथ की रथ यात्रा। और रथ में यही जगन्नाथ विराजमान होते हैं। सूरत के जो रथ यात्रा निकलती है वही जगन्नाथ है। ये भी एक छोटे से मंदिर में रखा है क्योंकि एक बड़ा सा टेंपल बन रहा है जगन्नाथ के लिए, वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। पहले दर्शन कीजिए जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी। एक टेंपल बन रहा है जो जगन्नाथ के लिए, अभी छोटे से मंदिर में रखा है मूर्ति। और ये गुरुस्थान जो यहाँ का महंत थे, उसकी पैर की साखरी जिसे बोलते हैं वही रखी है। और ये शनिदेव, ओम स शनिश्वराय नमः, महंत जी बैठे हैं। और ये शनि ग्रह, सात ग्रह की यहाँ पर रखा है, ये शनि ग्रह है। और ये है राहु, राहु जो सात ग्रह के थे वही राहु। और ये है मंगल, मंगल ग्रह।
और ऐसे चंद्र ग्रह और यह शुक्र ग्रह और यह है बुध ग्रह और यह गुरु ग्रह और केतु ग्रह, जो केतु का सिर नहीं है। बस यही था। जो अब शनिदेव का दर्शन कीजिए। ओम से शनिश्वराय नमः। सभी की मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हनुमान जी का टेंपल का मुंगट और यहाँ पर भोलेनाथ के सब पूजा वगैरह करवा रहे हैं और ये है ताप्ती मैया तट। और मैं एक मूर्ति आगे दिखाता हूँ जो कहीं कचरे में रखी है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। ये देखो मूर्ति, देखो जैसे हनुमान जी को फेंक दिया कचरे में। यहाँ पर आँख भी दिख रही है आपके, दोनों आँख मुँह सब लेकिन निकाल दिया और फेंक दिया। भगवान की यही दिशा है तो हम लोगों की कैसे होगी। अभी कोरोना में लोगों को जैसे रोड पर लाशें वगैरह सब मुर्दा मिल रहा है, वो उसी का ही नतीजा है। भगवान को फेंक देंगे ऐसे ही कचरे में तो हमको भी भगवान ऐसा ही करेगा। ये पूरा पुल जो हम अभी आ रहे थे वो दिखाया था आपको। अभी जाते वक्त यहाँ से हमें जाते हैं और दिखाऊंगा। यहाँ पर नाव है, यही एक गेट गौशाला के और मंदिर के सामने ही गौशाला है, लंका विजय गौशाला। चलिए मैं गैया का दर्शन करवाता हूँ फिर से एक बार। जय गौ माता। 33 करोड़ देवता के जिसमें वास है वही गौ माता, जिसका दर्शन करने से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। तो चलिए, मैंने आपको जगन्नाथ और लंका विजय का दर्शन करवाया और अब हम चलते घर पे। और अभी रास्ता क्लियर है लेकिन थोड़ा बारिश का टाइम अब शुरू हो चुका है, मौसम बदल रहा है और हम जा रहे हैं अभी ई ब्रिज के ऊपर से, जो ये कतारगाम होके अमरोली होके मोटावरा से निकलता है ये ब्रिज। और एक फिर से एक स्टैचू दिखाता हूँ, पूरा लोहे का जो पहले दिखाया था ये दूसरा। और यही ताप्ती के जो ब्रिज मैंने अभी नीचे से मंदिर में से आपको दिखाया था वही ब्रिज पे हम जा रहे हैं अभी। यही ब्रिज है जो नीचे से हमको हमने दिखाया था आपको। बस यही था। और ऐसे वीडियो आगे भी देखने को आपको चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साउंड आपको कैसा आ रहा हो पता नहीं, थोड़ा कैमरा में गड़बड़ी हो गई है। अभी वेदर थोड़ा खुलने लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बारिश का टाइम भी ऑन हुआ है, शुरू हुआ है। एक दो दिन में मौसम पूरा चेंज होने वाला है, चौमासा लग जाएगा। रास्ता एकदम क्लियर है, ऐसा वेदर में थोड़ी अच्छा लगता है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए ताकि जगन्नाथ और लंका विजय का दर्शन कर पाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।